ये बीच की पीढ़ी का जो समय है, आपका सौभाग्य आपको इस समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। इस परमात्मा के पाने के लिए किसी विशेष जाति या मजहब की आवश्यकता नहीं, और ये नहीं समझना कि ज़्यादा पैसे वाले ही पार होते हैं, धनवान या उच्च जाति वाले नहीं। परमेश्वर कबीर जी ने ये भ्रमणा दूर करने के लिए और एक जुलाहा जाति में आए, और क्या कहते हैं कि जुलाहे का सुत आण कहाया जगत करे मेरी आंसी, ओए होए, कि मैं जुलाहे का बेटा कहलाया, यहां आकर के दुनिया मेरी मजाक उड़ा रहा है, उड़ाती है कि ये धानक है, कबीर है, जुलाहा है। इसलिए आए थे परमात्मा के उसमें छुआछात चरम सीमा पर थी, ब्राह्मण लोग कहते थे। प्रभु की भक्ति करने का अधिकार, सदग्रंथों को पढ़ने का अधिकार केवल उच्च जाति वाले को ही होता है, वो ब्राह्मण है। बाकी तीन वर्ण अपना अपना कार्य करते रहो। तो पुण्यात्मा और परमात्मा ये बताना चाहते थे कबीर जी के परमेश्वर मेरे पाने के लिए, परमात्मा पाने के लिए, मेरे की तरह जैसे मैं गरीब हूँ, क्योंकि प्रतिदिन जितना कपड़ा बुनते थे उसकी जो बुनाई आती थी उससे अपना गुजारा करते लीला कर रहे थे। परमात्मा ने, कबीर जी ने ये लीला की थी एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति की, और अपना काम करते करते भक्ति करके ये रिहर्सल करके दिखाई थी, एक उदाहरण पेश किया था कि मेरे से गरीब तो कोई हो भी नहीं सकता, और मैंने भगवान पाया, यानी सह शरीर गए परमात्मा। अब आम व्यक्ति तो यही भगवान तो नहीं मान रहे थे वो लोग, लेकिन इतना अवश्य मानते थे कि कबीर जी की भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सह शरीर चले गए। तो वो भक्ति जो करते थे, वो काम करते 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 थे, ना घर छोड़ कर गए, ना जंगल में गए, और ना ही ब्राह्मण कुल में जन्म था, एक जुलाहे कुल में जन्म, और फिर भी पार हो गए। तो परमात्मा ने ये सब भ्रमणा मिटानी थी कि भाई परमात्मा पाने के लिए मनुष्य शरीर हो और पूर्ण संत मिल जावे, और भक्ति डटके करना, श्रद्धा से नियम में रहना, कोई भी जाति हो, किसी मजहब का हो, गरीब हो चाहे अमीर, रंक हो चाहे राजा, मर्यादा में रह के सारे पार हो सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य है आपका कि आज आपको परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, और इस दास को भेज दिया ये खजाना लेकर, ये तत्व ज्ञान रूपी खजाना आपके लिए खोल दिया प्रभु ने इस दास के द्वारा। आपके पुण्यों का कोई वर्णन नहीं कर सकते, कितनी अच्छी किस्मत आप लोगों की जो मनुष्य शरीर प्राप्त है इव कलयुग के इस बिचड़ी पीढ़ी में, और उससे भी भाग्यवान जो है जो इस परमात्मा की शरण में आ चुके हैं। जो जितना देरी से आएगा उतना रोया करेगा बैठ के, उस बीते हुए समय को रोया करेगा बैठ के वो पात्मा।